चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और आपको एक बात बताना चाहता हूं। भारत की जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो भारत का जो बिजनेस की दुनिया है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और वो बड़ा नया बदलाव जो आ रहा है ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से है और कुछ क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कुछ ऐसे खुराफाती भारतीय हैं जो नए नए तरीके निकाल रहे हैं बिजनेस करने के और उससे सारे बिजनेस को बदल रहे हैं। उन्हीं में से दो आज मेरे मेहमान हैं, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम आपने चलाया। मेरे ख्याल हमारे जितने सुनने वाले देखने वाले काफ़ी लोगों ने पेटीएम इस्तेमाल किया होगा। और आप रितेश अग्रवाल, आप तो बिल्कुल अभी बच्चे ही हैं एक तरह से। आप ओयो रूम्स, आपने होटल्स का जो चेन बनाया, जो आप एक होटल बुकिंग का और होटल ब्रांड का एक चेन बनाया, और दोनों अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, आपकी कंपनी आप कहना नहीं चाहते, लेकिन अभी जो मैं पढ़ता हूँ वैल्यूएशन आपका 15,000 करोड़ हो गया और आपका वैल्यूएशन अभी तो अब 21 के मारपीट के हुए हो और वो अभी कितना 1500 करोड़ हो गया, काफ़ी हो गया उससे नहीं ज़्यादा हो गया, बल्कि मैं मिलियन को और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर रहा हूँ आपका, तो आपका करीब 3,000 करोड़ हो गया, 3,350 करोड़ हो गया। तो ये अब ये तो खैर कहने के फिगर्स होते हैं कितने हज़ार करोड़ हो गया, इंसान कितना खाएगा, लेकिन ये आपने जो ग्रोथ करी और नए आइडिया आए, इनके बारे में बताएं। पेटीएम क्या करता है और ओयो क्या करता है? वेल, देखिए सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद हमें इस शो पर लाने के लिए। और मेरा ये मानना है कि आजकल देश में सब लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो जो पहले फ़ोन था वो स्मार्ट हो गया क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आ गया उसके अंदर। लोग भी थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं, लोगों का फ़ोन स्मार्ट हो रहा है। हाँ। तो लोगों के पैसे भी स्मार्ट हो जाने चाहिए। हाँ। तो पेटीएम का पर्पज़ है कि आप जो पेमेंट कैश से करते हैं या कार्ड से करते हैं उसको आप फ़ोन से कर दीजिए। आप अपने फ़ोन का रिचार्ज बिल पेमेंट करते हैं, किसी की या शॉपिंग करते हैं, कभी आप टैक्सी लेते हैं, सबके पेमेंट आप अपने फ़ोन से करिए। सो पेटीएम एक पेमेंट करने का तरीका है। हमारा एक मोबाइल वॉलेट है जिसमें आप पैसे भर सकते हैं, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर अब हमने अगले बिजनेस जिसमें शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग कॉमर्स की तरह से, जैसे आप ऑनलाइन सारे जो मर्चेंट हैं जो सामान बेच रहे हैं उनसे कोई शॉपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं है। बैंक से पैसे डालो, जितना पैसा डालना है उतना खर्च करो, उसके बाद सब और पैसा आपके पास डाल दें, पहले जिससे कि हम ट्रांजेक्शन उससे कर सकें। उससे कर सकते और आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो जाके किसी दुकान से पैसे डलवा लीजिए। तो डेबिट कार्ड की तरह हो गया। हाँ जी, प्रीपेड कार्ड कहलाता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। और आपकी सेल्स अभी टोटल कितनी है? अभी हम टोटल 12,000 करोड़ के करीब करते हैं। 12,000 करोड़। और अपना ओयो रूम्स क्या होता है? ओयो रूम्स आज होता है, ओबरॉय होता है, अशोक होता है, जैसा होता है बिल्कुल। हम आज के दिन में मिनिमम सर्विस गारंटी कर देश के सबसे बड़े होटल ब्रांड हैं, जिसमें आपको मिनिमम एमिनिटीज़ जो चाहिए होते हैं होटल रूम में वो सारी अवेल करते हैं हम, बहुत ही नॉन प्रोहिबिटिव प्राइसिंग में, जो कि 999 से शुरू होता है। हाँ। जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट, वाईफाई, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। सबसे तकलीफ मुझे वाईफाई में होती है कि आप होटल में अगर रह रहे हैं तो वाईफाई के लिए आपको 1500 रुपये रोज़ का देना पड़ता है। वाईफाई मुझे लगता है वो ऐसा तरीका है जैसे हाईफाई पैसे ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको हाईफाई कहना चाहिए, वाईफाई नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर होटल में सिग्नल भी आपको खराब ही मिलता है, बहुत है, स्लो इंटरनेट, इतने सारे पैसे। हाँ, जान के होता है। तो ये सब एश्योर करते थे। तो हम इन चीज़ों को एश्योर करते हैं। और आज के दिन में हम लोग 100 शहरों में हैं और हर शहर के अंदर हम, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हमारे 500 होटल्स, तो शहर के किसी भी इलाके में। ये मैं साफ करूँ कि ये होटल आप बनाते नहीं हैं, हम बनाते एक भी होटल नहीं, किसी होटल के मालिक भी नहीं है। बिल्कुल, ये लोगों के होटल हैं जो चल रहे हैं अभी, जिनको हम लोग ब्रांड करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, उनको बेहतर बनाते हैं। आपके एक स्टैंडर्ड के हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, सफाई, सिक्योरिटी, नाश्ता, रिजर्वेशन आसान तरीके से हो, पेमेंट्स आसान तरीके से हो, एट्सेट्रा। और उसके साथ साथ हम एनेबल करते हैं जिससे कि ये होटल ओनर्स, इनका मेजॉरिटी 80% जितने होटल्स हैं हमारे देश में इस कैटेगरी में, उनका कोई दूसरा बिजनेस है, तो हम उनके लिए ये भी एनेबल करते हैं कि हम अकेले उनके पार्टनर बनते हैं जिसमें उनके लिए रिजर्वेशंस आती हैं, बुकिंग्स आती हैं। तो जो होटल्स पहले सिर्फ 20% या 30% भरती थी, आज 90% या 95% एवरेज भरती है हमारे कारण। हाँ। तो ये ओयो कहाँ से नाम आया? तो ओयो ऑन योर ओन इसका मतलब है। पेटीएम तो मैं समझ गया, पे थ्रू मोबाइल। हाँ जी। सो पेटीएम पे थ्रू मोबाइल है। और हमारा फंडामेंटल बिलीफ ये रहा कि देश में सब कुछ कैश से पैसे पे करते हैं और कैश
का प्रचलन ही है जो इस देश को चलाता है, और कैश को किसी तरीके से रिड्यूस करना है। इसके दो कारण हैं कैश को रिड्यूस करने के, क्योंकि एक तो हमें पता है कि इससे करप्शन बढ़ता है, और दूसरा इससे इसको कैश को चलाने की कॉस्ट भी होती है। और देखिए, देश में करीब 20 करोड़ लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है। इस 100 करोड़ के देश में सिर्फ 20 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग हमारा ऐसा मानना है जो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, और उनके पास ये सर्विसेज होनी चाहिए। पेटीएम का मिशन स्टेटमेंट कहता है कि हम इस देश के 50 करोड़ लोगों को, जो इस देश के बारे में कहा जाता है द इंडिया शाइनिंग, द ग्रेट इंडिया, उसके मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी पर लाएंगे। यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा प्रण है। आपने काफ़ी मुश्किल दिन देखे अपने स्कूल के समय भी। हाँ, मैं थोड़ा, आप तो हमारी तरह से हिंदी मीडियम हो बिल्कुल, HMT हिंदी मीडियम टाइप। मैं भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का छात्र हूँ। तो मेरे स्कूल, हाँ जी, मैं अपने स्कूल का डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा अपने 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास में। हुआ क्या है कि मेरे स्कूल में बहुत ही अच्छे, मेरा बचपन थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया में गया। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ा, जिसमें स्कूल में मेरे जो साथी लोग थे उनके पास हवाई चप्पल भी नहीं हो, ऐसी पढ़ाई वाली थी। तो बचपन में मेरे को एक लर्निंग सी हुई, मैंने 4 लाइनें लिखी थी जब मैं 10वीं क्लास में था और 12 साल का था। मैं गरीबी हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं गरीबी हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती क्योंकि तुम मुझे उससे ज़्यादा प्यार करते हो। अच्छा, इसका मतलब गरीबी से निजात पाने के लिए गरीबी का प्यार छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये इस देश की प्रॉब्लम है, हम लोग खुशी नहीं होते, हम उस पर थ्राइव करते हैं जो हमारी कमी हो जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि इस देश में से गरीबी हटे, तो हमारा ये मानना है कि हम इसको हर आदमी को एक ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है तो हमें उन लोगों को डिजिटल इंक्लूजन कराना पड़ेगा। तो आपको रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक का दर्जा भी लाइसेंस भी दिया जी, तो ये बताइए कि वो पेमेंट बैंक का क्या मतलब होता है, कैसे चलता है? देखिए, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो वो डिजिटल इंक्लूजन से होनी चाहिए, ये हमारी शुरुआत वहाँ से है। तो हम लोग पेमेंट करते हैं, आपका अभी जैसा मैंने बताया, आप वॉलेट में पैसे डालिए पेटीएम में और आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत लोगों को, तो ये हो गया पेमेंट का किस्सा। लेकिन अभी जब आप पैसे डालते हैं हमारे अकाउंट में, तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट वगैरह कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, हम आपको डेबिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, जिससे कि आप अगर कभी वापस लेना चाहो तो वो निकल जाएगी। तो अब हमें RBI ने जो लाइसेंस अपॉर्चुनिटी दी है, उसके द्वारा हम एक बैंक अकाउंट बना सकते हैं, उस अकाउंट को जिसमें आप जब पैसे जमा करेंगे तो आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंटरेस्ट, सब कुछ जैसा एक बैंक अकाउंट मिलता है वैसा मिलेगा, और आपको जरूरत पड़े तो आप उससे पैसे वापस कैश में भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा सर्कल हो गया। इससे बैंक तो डिसरप्ट होंगे। देखिए, बैंक्स ने अपना जो काम कर रखा है वो उस काम में माहिर हैं, उनको डिसरप्ट करने के लिए हम एक नए मार्केट में जा रहे हैं, और उस मार्केट को अगर वो एड्रेस करते हैं तो डिसरप्ट होंगे, अगर उस मार्केट से उनका मार्केट बड़ा होता है तो एक देश का भलाई हो रहा है। अपनी कहानी बताओ प्रीतेश, इतनी छोटी उम्र में कहाँ से कहाँ निकले और कैसे किया? बचपन मैंने उड़ीसा के रायगढ़ में बिताया था। काफ़ी जब छोटे होते थे तब से नई चीज़ करने की बड़ी चाह होती थी, क्योंकि यूजुअल चीज़ों में मज़ा नहीं आता था। किसी तरीके से 10वीं कक्षा के बाद नॉर्थ इंडिया आए कि इंजीनियर बनेंगे। एक डेढ़ महीने में ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं, मुझे उस चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो डेढ़ साल तक मैं छोटी कंपनियां, यंग स्टार्टअप्स के साथ में फ्री में काम करता था, उनमें से काफ़ी आज हैं भी नहीं, पर उस समय ये क्लियर हो गया कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी बनानी है। जब मैं 12वीं कक्षा के आगे निकला तो घर वालों की एक बड़ी परेशानी थी, मॉम की स्पेसिफिकली, वेरी सिमिलर। उसमें माता जी ने बोली कि तो मेरा बड़ा चाहता कि मैं एक साल कंपनी बनाना चाहता हूँ अपनी खुद की। तो घर वालों ने बोला कि बेटा बायोडाटा में क्या लिखोगे, शादी तो होएगी नहीं, नहीं तो। तो उस समय मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, 3 दिन वहाँ गया, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि, और कभी ये प्लान नहीं था कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करूँगा। मैं 2 दिन छुट्टी ली क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कंपनी में ज़्यादा समय स्पेंड करूँ, क्योंकि मैं पैरेलली अपनी कंपनी चला रहा था, और वो लीव लेते गया मैं जब तक हमारी कंपनी काफ़ी बड़ी होगी। और उसके बाद मैं एक थियल फेलो बना, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्चुअली साइन, थियल बताइए, एक फेलोशिप है जो मिस्टर थियल जिन्होंने पेपैल कंपनी बनाई थी, बिल्कुल, उन्होंने उन लोगों के लिए बनाई है जो 20 साल से छोटे हैं। हाँ। और जो कॉलेज से भाग चुके हैं, बिल्कुल। उसमें कॉलेज से भागना एक बेसिक, ये मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है उस समय कि कंपनी बड़ी बुरी सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि मतलब उस समय मैं अकेला होता था और मेरे साथ एक इंटर्न होता था, और उस समय मेरे पैसे खत्म हो गए क्योंकि मैं हर रोज़ जाके एक नए होटल में रुकता था और मेरे सारे पैसे उसे ख़त्म हो गए। तो मैं वापस, जब जिस बरसाती को मैंने रेंट पे लिया हुआ था, जब मैं वहाँ पहुँचा तब मेरे ओनर ने मेरे सारे सामान बाहर रख रखे थे कि
कि चलो बेटा तुम्हारी तो सिक्योरिटी लैप्स हो गई, डेढ़ महीने से तुम आए नहीं, मैंने दूसरे वाले टेनेंट को कमरा दे दिया है। अब उस समय मेरी हालत ये थी कि अगर मैं घर वालों को फ़ोन करता तो लोग बोलते बेटा पहली ट्रेन पकड़ के तुम वापस आ जाओ, और अगर वापस चले जाता तो एक एंटरप्रेन्योर बनने में ये बड़ी बुरी चीज़ होती है कि आप हमेशा ये देख सकते हो कि आपको बनाना क्या है, और उस चीज़ के कारण आप कभी जाना नहीं चाहते उस चीज़ को छोड़ करके। तो उसके बाद 4 से 5 दिनों तक मैं बगल वाले जो नेबर होते थे उनका वाईफाई यूज़ करके सीडीओ में सोता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस समय। उस समय मैंने थियल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, और तो थियल फेलोशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं पहला एशियन रेसिडेंट था जो थियल फेलो बना। आपको $1,00,000 मिलता है, $1,00,000 $60,00,000 इंडियन रुपीस, जिसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि आप कॉलेज नहीं जाएंगे अगले 2 साल तक के लिए। और इन 2 सालों में कॉलेज ना जाने के पैसे मिले, कैसा मना आ गया। पर आप जो भी आपकी कॉन्ट्रेरियन सोच है जो कि समाज से बाहर अलग है, आपको वो करने का हम 2 साल तक नहीं, वो तो एंटी सोशल हो जाएगा। एंटी सॉरी, लेकिन जो लीग से मैं हिंदी उतनी अच्छी नहीं, पर वो करने का मौका मिलता है आपको 2 साल के लिए। तो उस समय मैंने ओयो पे कंपनी को चेंज किया, और 1.5 साल बाद आज हम एक सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम देश में पहली बार होटल्स को मेन स्ट्रीम में लेकर के आए, जहाँ पे हर इंडियन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड होटल में रह सकता है ग्लोबली। हमारे देश में नहीं, बट हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है किसी भी होटल में। बड़ी छोटी चीज़ है, आप होटल्स में जाते हैं टॉयलेटरीज, पेन और पेपर पैड जो कमरे में रखा जाता है, अगर आप उसका जो 10 मिनट एक्स्ट्रा हाउसकीपिंग टाइम लगता है, अगर आप इसका सिर्फ इंडियन नेशनल स्केल में देखें तो $150 मिलियन एडिशनल पैसा बच सकता है अगर आप वो टॉयलेटरीज को चेक इन में एक कस्टमर को पकड़ा दें एक मिनी वेयर हाउस यूज़ करके, जो कि हम करते हैं। बड़ी छोटी चीज़ें हैं इसी होटल में जिसमें आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बहुत पैसे बचा भी सकते हैं और बेहतर एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। तो हम लोग ये दोनों ही चीज़ों को एक साथ मर्ज करते हैं, जिसमें हम मिनिमम साफ़ सुथरा कमरा अच्छे दाम में देते हैं, और उसको देने के लिए हम लोग काफ़ी कॉस्ट बचाते भी हैं। अपने तजुर्बे से आप बताएं, कोई ऐसी बात जब हुई हो जो आपको बहुत तसल्ली हुई हो कि मैंने ये काम शुरू किया। एक हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप की बात है कि एक हमारे टीममेट बाहर यहाँ पे नोएडा में मेट्रो स्टेशन से आए, और टोटल उनका कुछ 67 रुपये का खर्चा था, और डिस्कशन हो रही थी कि मेरे पास खुले नहीं हैं, तो ऑटो रिक्शा वाले उनको 70 चार्ज कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं तुम 67 लो चला नहीं। तो ऑटो रिक्शा वालों ने कहा कि तुम्हारे पास पेटीएम है, मेरे को पेटीएम से पैसे दे दो 67 के 67 के। तो उसने फिर हमें बताया कि ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि मेरे को पेटीएम से पैसे। ये तो मेरे साथ भी हुआ है कई बार दिल्ली में, एक दो बार हुआ है काफी, मैं कुछ महीनों से ज्यादा रिक्शा ट्रैवल भी नहीं हुआ। ओयो में पेटीएम से लेते? बिल्कुल बिल्कुल हम लेते हैं बिल्कुल। तो मुझे तो उस दिन ये लगा कि अगर हमारे देश का ऑटो रिक्शा वाला आदमी समझ गया है ना कि पेटीएम होता है कुछ और उसको उस तरह से पैसे ले सकते हैं भाई, ये तो रिक्शा वाला आदमी बहुत तेज है आजकल, केजरीवाल का मेन सपोर्टर वही है, उसकी सारी पॉलिटिक्स उस पे चलती है। देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मानते हैं जिनको, यानी कि जो जिनको अगर समझ में आ गया कि प्रोडक्ट क्या है, तो बस टेक्नोलॉजी के आदमी के लिए तो बिल्कुल गंगा। इस देश में 10 करोड़ लोग हैं जिनके पास पेटीएम अकाउंट है, और 2020 तक 50 करोड़ लोगों के पास पेटीएम अकाउंट, और करीब 3 करोड़ है सिर्फ जो इनकम टैक्स देते हैं। ये तो एक देश की, अब देखिए अगर डिजिटल नेट पे आएंगे तो मुझे लगता है बहुत भला होगा देश का, बहुत सारी चीज़ों से भला होगा। सिर्फ जो 3% लोग हैं वही सारा देश चला रहे हैं।